का एक बच्चा है, उसकी माँ का बिजनेस है। इसमें ऐसा हुआ कि बच्चों का एक गेम है, उसमें बच्चों की जान पहचान हो गई थी। फिर जो आरोपी है उन्होंने इस बच्चे को थोड़ा सा विश्वास में लेकर उसके घर में कौन कौन रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, और फिर उसका माँ का गूगल पे नंबर वॉच करने को बोला। और वॉच करने के बाद उसने उसका यूज़ करके, बच्चे का यूज़ करके और बच्चे को फंसा कर उसमें उसके माँ के अकाउंट से, गूगल पे से 1,02,000 रुपये फंसा कर निकाले हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ था, ये टुकड़े टुकड़े में पैसे निकाले हैं, एक साथ नहीं निकाले। 20 मार्च से 6 अप्रैल तक ये सभी पैसे निकाले हैं। बच्चा थोड़ा सा डर गया था और उसे तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उस बच्चा रोने लगा। फिर उसने जो उसके घर साथ घटना घटी थी वो सभी उसने मेरी उसकी माँ को बताई और फिर हमें ये गुना दर्ज किया। धमकी बोले तो उसको थोड़ा सा ऐसा दबाव में ला करके, हम तेरे घर पर बहन है छोटी और छोटा बच्चा है इसलिए थोड़ा सा डर गया था, इसकी वजह से उसने उसकी माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी उसका सेम टूटने के बाद उसने जो उसके साथ घटा वो सभी माँ को बता दिया। मेरे पास दो आरोपी के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आज क्या है कि माँ बाप दोनों वर्किंग रहते हैं और कोरोना के बाद से मोबाइल का यूज़ जो है स्टडी के वजह से बच्चों का बहुत बढ़ गया है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये हो गया है कि बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा यूट्यूब देखते हैं। अब ये घटना से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आप बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए, ऐसी घटना किसी के भी बच्चे के साथ घट सकती है। क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है कि माँ का गूगल पे ऑब्जर्व करके पैसे ट्रांसफ़र करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात ये है कि बच्चे के मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा परिणाम हो सकता है। सो हम पुलिस द्वारा ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे से जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन रखिए, उसके साथ दिन में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, जितना वो फ्रेंडली बच्चों के साथ रहेंगे उतना बच्चे खुल के जिएंगे।